आज का इवेंट तो बहुत अच्छा रहा, काफ़ी इंस्पायरिंग था, मोटिवेशनल भी था, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन जो बिल्डिंग जब गिरी थी वो देखा, उसमें एकदम घबरा गया था मैं। जैसा कि मैंने कहा, आई ऑलवेज बिलीव्ड, महात्मा गांधी जी की लाइन है कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। हम जैसे यूथ जब आएंगे ऐसे प्रोग्राम्स में, तो यस वी कैन बी द चेंज हम देखना चाह रहे हैं। नमस्कार, अभी हम हैं फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में और यहाँ पर डिकोडिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ आमिर खान के बारे में लोगों को बताया जा रहा था, एक MNP नेटवर्क से लोगों को जोड़ा जा रहा था। आइए हम इसके बारे में पहले जानते हैं इसके ऑर्गेनाइजर मिस्टर अजय कुमार जी से। सर एक्सक्यूज मी, मैं जानना चाहूँगा आपसे इस इवेंट के बारे में प्लीज। ओके सर, डिकोडिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ आमिर खान। इसमें आमिर खान की सक्सेस स्टोरी के एग्जांपल से जी ये रहा है कि सक्सेस क्या होता है। पहले जब मैं शेयर कर रहा था, मैंने कहा था कि लगान मूवी देखी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसके पीछे इतनी मेहनत, इतने लोगों की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सब सारी शक्तियों को जोड़ के सक्सेस क्रिएट करी है। इसको एक विजुअल फॉर्म में इस तरह से देखना होगा, एब्सोल्युटली। जनरली हम लोग सारे मूवीज़ को देखते हैं, बट एज ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, तो एज ए मोटिवेशन के तौर पे इसे लोग अवॉइड करते हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लोग बेशक आते मोटिवेशन के लिए, सॉरी एंटरटेनमेंट के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ को अपने जहन में लेके जाते हैं। जी ठीक है, एक बार नहीं होता, दूसरी बार नहीं होता, लेकिन एक चीज़ को जब हम बार बार देखते हैं या एक जैसी चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को बार बार देखते हैं, समझते हैं, सीधी सी बात है, दीवार हर एक एक ईंट लगा के बनाई जाती है। एक अकेली ईंट को आप देख के बोलेंगे कि लोग इसको दीवार नहीं मान रहे हैं, नहीं मानेंगे, लेकिन हर ईंट से दीवार बनती है। मैं चाहूँगा कि आप MNP के बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे वो इस नेटवर्क से जुड़ के और फ़ायदा। MNP मास्टर नेटवर्क का प्रोग्राम है, ये हमारा एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम लोगों को, बिजनेस ओनर्स को, प्रोफेशनल्स को, जो भी नेटवर्किंग और रिलेशनशिप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, उनको ये सिखाते हैं कि रिलेशनशिप्स किस तरह से बनाए जाते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लोगों को हम आइडेंटिफाई कराते हैं, ये कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इज़ द रिलेशनशिप वी हैव विद आवरसेल्फ। खुद के साथ कैसा है, घर में कैसा है, फिर बिजनेस में कैसे होता है, रिलेशनशिप से बिजनेस कैसे आता है, रिलेशनशिप से करियर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये एक साल का प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को ये साइंस सिखाते हैं। कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं, इस मीडियम से आपसे? जिसको भी जुड़ना है वो हमारी वेबसाइट पर जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और हम अपना एक छोटा इवेंट करते हैं जी, न्यू रूल्स ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग के नाम से, साल में दो बार करते हैं, उसमें लोग आ सकते हैं देखने के लिए कि हम एक साल में इस प्रोग्राम में कराते क्या हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर पारुतोस जी, जो आपको बता रहे थे कि MNP से कैसे जुड़ना है, और आप इससे बहुत ही फ़ायदा ले सकते हैं, एक नेटवर्क में कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए इससे आप सीख सकते हैं। मैं और भी लोगों से बयान लेना चाहूँगा। माय नेम इज़ तरुण भारद्वाज। हाँ, कैसे कैसा रहा ये इवेंट, इस इवेंट के बारे में मैं चाहूँगा कि आप। दिस वाज एक्चुअली वेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। क्या सोच के आए थे और क्या हुआ, वो उसमें बहुत डिफरेंस था। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की अजय जी से कि क्या होगा, सो उन्होंने थोड़ा सा सस्पेंस मेंटेन किया हुआ था, बट जितना भी मैं सोच के आया था, सो दिस वॉज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। मेरे को जरा भी आइडिया नहीं था कि एक मूवी बनने में पीछे मतलब कितनी मेहनत जाती है और क्या एफर्ट्स जाते हैं। मेरे को ये तो पता है कि आमिर खान को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मुझे ये तो पता है वो एक ट्रांसफॉर्म्ड एक्टर हैं। आशुतोष को भी मैंने थोड़े टाइम से फॉलो किया है, सो मुझे पता है वो भी ट्रांसफॉर्म पर्सन है। अब हमें वो सीक्रेट पता लग गई कि वो कैसे बने जो वो बने। आज के समय में युवाओं को मोटिवेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आपको लगता है इसमें? देखिए, मैंने अपने बचपन में ना पुराना ज़माना देखा है जी, ठीक है, जहाँ इतना स्ट्रेस जितना आजकल है उतना नहीं होता था, और उस समय इतनी प्रोटेक्शन मिल जाती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, रिश्तेदार वगैरह सब थे, ठहराव था ज़िंदगी में। अभी
वो चीज़ नहीं है। अभी ज़माना ऐसा हो गया है कि हमें शुरू से ही जैसे खाने को दौड़ने को रेडी है, क्योंकि और किसी गलती नहीं है वो, एक्चुअली दुनिया बहुत तेज़ हो गई है और ऐसे में मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली मोटिवेशन के साथ हमें ऐसे लोग चाहिए जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें, जो हमें Definitely. जिनके साथ काम करके या जिनके साथ रह के हमें वो फीलिंग नहीं आए कि भाई ये पता नहीं अभी क्या बोलने वाले हैं। इनफैक्ट उस पॉइंट पे मैं ये MNP का नाम भी लूँगा, जैसे अभी आपने पूछा था कि MNP ने हमें क्या दिया है, एक फैमिली दे दिया है जिसमें इतने सारे वो लोग हैं जिनके साथ आप कभी भी कंफर्टेबली बात कर सकते हैं और आपको मतलब वो MNP को अगर मैं डिकोड करूँ तो मिलीनियर नेटवर्किंग प्रोग्राम कह सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, और मेरे अपने नेटवर्क प्रोग्राम, यू नो, सो मेरे अपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। सो वाकई में बहुत स्ट्रेस है, आप स्कूल के बच्चों में भी देखेंगे तो इतना स्ट्रेस है। हम लोग के बचपन में बिल्कुल वो चीज़ नहीं थी और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए सर्वाइव कर पा रहा हूँ कि हमें वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तब मिल गई थी। आज के यूथ्स को वो फाउंडेशन मिसिंग है और इसीलिए मैं इनफैक्ट अजय जी से बात करने वाला हूँ कि हमें एक मूवी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बनानी चाहिए जिसमें हम उनको ये हेल्प दें कि कैसे बच्चों को हम एक मोटिवेटेड, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें जिससे उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये बता रहे थे सर हमें कि कैसे आज के डेट में जिस प्रकार स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से कई बीमारियाँ लोगों में आती जा रही हैं, इसके लिए मोटिवेशन हर जगह पर ज़रूरी है आपको, खासकर आपके लाइफ में। आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, आपको देखने का नज़रिया क्या है ये बहुत ज़रूरी है और आप वहीं से मोटिवेट होते हैं, तो इसलिए अपने नज़रिए में भी बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है। हम और भी लोगों का विचार जानना चाहेंगे। कैसा रहा आज का इवेंट? आज का इवेंट बहुत अच्छा था जी, और अजय जी ने पूरा हमको जो जर्नी दिखाई, जो आमिर खान की सक्सेस को हमने डिकोड कर रहे थे, इट वॉज़ वेरी इंस्पायरिंग हाउ दे स्टार्टेड टिल द एंड व्हेन दे वेयर दे रीच बाय मेकिंग, जो क्या हर्डल्स उन्होंने पार करी, इट वॉज रियली इंस्पायरिंग। तो लगान फिल्म को बने हुए लगभग 19 साल हो गए और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, आमिर खान ही क्यों? देखिए आमिर खान ने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, जो आशुतोष ने बिलीव करके अपने ऊपर स्टोरी बनाई गई जी, उसको बिलीव करके जो उसने उसके साथ पूरा साथ दिया है, साथ निभाया है, और जिस तरीके से हर्डल्स बीच में आई थी उस टाइम भी उसका सपोर्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आमिर खान के अलावा कोई और होता तो वो कर पाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे आपका विचार जानना चाहूँगा, कैसा रहा आज का इवेंट? आज का इवेंट बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा जी, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अजय जी ने लिया और वी आर वेरी थैंकफुल फॉर अजय जी टू ऑर्गेनाइज सच एन इंस्पिरेशनल इवेंट, और एक बिजनेस नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म तैयार किया अजय जी ने, दिस इज़ रियली अमेजिंग। इस तरह के प्लेटफॉर्म से आज के खास करके आजकल के यूथ को बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नेटवर्किंग भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलती है, सपोर्ट मिलती है एक दूसरे से, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू सर, आप बताएं कैसा रहा आज का इवेंट? इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ रियली मोटिवेशनल टू सी हाउ लगान वॉज मेड, एंड मोर इम्पॉर्टेंट ये देखने में अच्छा लगा कि जो हमें दिखता है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, हमें लगता है कि चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है बट ऐसा होता नहीं है। थैंक यू। मैं और भी लोगों का विचार जानना चाहूँगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिजी इन, एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर कैसा रहा आज का इवेंट? ओह इट वाज अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। आमिर खान ही क्यों, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमें पता चला कि आमिर खान और उनकी पूरी टीम ने, आशुतोष ने कितनी जद्दोजहद और कितनी फेथ से ये प्रोजेक्ट किया था, और आमिर खान इज़ जस्ट यू नो सिंबल ऑफ आर इंटरनल मोटिवेशन एंड फेथ, सो आई गेस दिस वाज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। मैं एक आज के टाइम से पूछना चाहूँगा कि आजकल युवाओं को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरह के सेमिनार्स रेगुलर इवेंट होने चाहिए, क्या आपको लगता है इस पर? मैं आप एकदम सही कह रहे हैं, मेरे हिसाब से एकदम रेगुलर होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को मोटिवेशन और डायरेक्शन मिलना चाहिए। क्यों US में ही अलग अलग आइडियाज़ आते हैं और अलग अलग बिजनेस मॉडल बनते हैं, इंडिया में भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है सर, इनोवेशन और स्टार्टअप में हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं और आगे जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ 50 हैं तो यहाँ 100 बनने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। थैंक यू। पंकज मित्तल जी, पंकज जी कैसा रहा आज का इवेंट? बहुत बढ़िया रहा, वेरी इंस्पायरिंग इवेंट टुडे जी, बताइए। और इस तरह के इवेंट आपको नहीं लगता कि रेगुलर होनी चाहिए जिससे कुछ मोटिवेशन मिलता रहे लोगों को?
बिल्कुल, आई थिंक ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम अगर हमें इंडिया में सॉल्व करनी है, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है. एंड आमिर खान इज़ वन ऑफ दोज एक्टर हु इज़ रियली इंस्पायरिंग. ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ वेरी वेल एंड ही कैन इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया. यस. और एमएनपी नेटवर्क से आप भी जुड़े हैं क्या? मैं एमएनपी से जुड़ा हूँ. एमएनपी के बारे में मैं चाहूँगा आप कुछ बताएं. एमएनपी एक प्रोग्राम है जहाँ पे वी लर्न हाउ टू नेटवर्क विद पीपल एंड दे स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट रिलेशंस एंड हाउ वी बिहेव इन सोसाइटी. ओके, व्हाट आर द basic building blocks of networking. Okay, and then they come into systems and technologies for networking. Yeah. Thank you, sir. Thank you. आज का इवेंट बहुत बढ़िया था जी. इसमें बहुत कुछ लर्निंग मिला, सीखने को मिला. सो अजय जी के साथ जैसे इंस्पिरेशन है, काफ़ी टाइम से हम अजय जी को जानते हैं, बट उन्होंने जो भी हमेशा लोगों के लिए करते हैं, जो भी अपनी इंस्पिरेशंस है वो शेयर करते हैं. जो डीकोड आमिर कोड की भी था तो उसने काफ़ी कुछ लाइफ में सीखने के लिए हमें बताया कि हमें क्या चीज़ें करनी. अपनी इंस्पिरेशन है वो छोड़नी नहीं चाहिए, लोगों के साथ है वो सब हमेशा रहना चाहिए, तो एक टीम वर्क की तरह अपनी इंस्पिरेशन को बढ़ाते रहना चाहिए, काम करना चाहिए. थैंक यू. दूसरा एक और सर कि काफ़ी लगान को बने हुए लगभग 19 साल हो गए, उसके बाद ऐसा मतलब डिकोडिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ आमिर खान आफ्टर 19 ईयर्स ऑफ मेकिंग द मूवी. ऐसा है जी, जो भी अच्छी चीज़ें होती चाहे 19 साल हो या 5000 साल हो जी, भगवत गीता आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 5 साल पहले थी. तो जो भी कोई सच्चाई की चीज़ है चाहे 19 साल हो या 50 साल पहले या 50,000 साल पहले, वो हमेशा ही वैसे ही रहती है, वो हमेशा ही लोगों को इंस्पायर करती रहती है, वो करती आएगी, आज भी कर रही है, कल भी की और आगे आने वाली जनरेशन को भी करेगी जी. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू. मोर देन expected. Ji. It was fantastic. The movie, how Lagan was made. Yes, sir. Sare, late ho gaya, koi baat nahi, par isne sare barabar kar diya. Bahut acha laga. Kitni mehnat lagti hai kisi ko banane mein. To hum to upar ka dekhte hain picture, par kya kya hua piche se. Credit. Kitni patience, kitna time, kitni teamwork, कितनी विल पावर लोगों की जो इन्वॉल्व थे सारे. कमाल. क्या ये ऐसा नहीं लगता कि आज के यूथ के लिए ये मूवी एक इंस्पिरेशन के साथ मोटिवेशन भी है कि कैसे हम गिव अप नहीं कर सकते? सडनली कि जब को देखता है तो आदमी हिम्मत छोड़ देता है. इसको देख कर लग रहा था अभी छोड़ा पर नहीं, बड़ी हिम्मत. तो इससे पता लगता है कि एनी थिंग विच यू डिसाइड टू डू यू नीड टू हैव पेशेंस एंड करते रहना चाहिए जब तक हासिल ना हो जाए मुकाम. आजकल के यूथ डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं बिकॉज दे वांट टू क्विक मनी, दे वांट टू मेक क्विक मनी व्हिच इज नॉट पॉसिबल. प्लीज गिव सम मैसेज टू आवर यूथ. फॉर एवरीथिंग वन हैज टू सैक्रिफाइस, गेट आउट ऑफ कंफर्टेबल जोन, हैव ए विजन एंड इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क शुड बी देयर. थैंक यू सर. आप बताएं आज के इवेंट के बारे में, कैसा लगा आपको ये इवेंट? आज का इवेंट तो बहुत अच्छा रहा, काफ़ी इंस्पायरिंग था, मोटिवेशनल भी था. और जो इसके मेन थे वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इंसान हैं, बाय हार्ट बाय जो भी कहा जाए सब कुछ अच्छे हैं. और जो नहीं बोलता उसको भी बोलना वो सिखाते हैं. और क्या क्या डिकोड किया इसमें, मतलब आपने क्या डिकोड किया? हमने डिकोड ये किया कि अगर कोई मोटिवेशनल पर्सन है तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. ऐसे आपके पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं जिसको आप ना बिल्कुल मतलब ला नहीं पाते हो. और जो यही तो होता है मोटिवेशनल पर्सन का कि वो आपको देखता है, सुनता है, समझता है आप में जो है हिडन जो क्या कहें टैलेंट, उसको वो बिल्कुल निकालता है. वो अजय जी है, मतलब आज के मोटिवेशन का क्रेडिट आप अजय जी को दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं अजय जी को देती हूँ. वो मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, जो भी कहिए वो है, मेंटोर भी हैं, जो भी कहिए है. और उनसे लड़ना भी अच्छा लगता है, वो देख भी रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उनकी बड़ाई हो रही है, कुछ बुराई भी हो रही है. नहीं थैंक यू. बस अब अगर रुके रहोगे तो मैं और भी बोलते रहूँगी. और आप बोलना चाहें तो आप बिल्कुल बोल सकती हैं. नहीं मैं बोल तो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इस प्रोग्राम में. ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी कि ऐसा प्रोग्राम और भी हो और हम लोग आए और मैं भी अपने कुछ कोलिग्स को यहाँ लाऊँगी ताकि वो भी मोटिवेट हो. बिल्कुल, क्योंकि बहुत मोटिवेशनल प्रोग्राम था और इंस्पायरिंग भी था. थैंक यू सो मच. डीना आप बताओ कैसा लगा, आप एज बीइंग अ यूथ
ये मोटिवेशनल प्रोग्राम्स जैसा कि मैंने कहा, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, महात्मा गांधी जी की लाइन है कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. हम जैसे यूथ जब आएंगे ऐसे प्रोग्राम्स में तो यस वी कैन बी द चेंज जो हम देखना चाह रहे हैं. साथ ही साथ मैं प्रिल्यूड मीडिया का भी थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने पूरे फंक्शन को कैप्चर किया और अभी हमारे बाइट्स ले रहे हैं और हमने जो कोड अनकोड डीकोड किया है वो देख रहे हैं. मोर ओवर मैंने अभी अपनी बुक भी लॉन्च की है, कोड अनकोड योर साइकी. ग्रेट. सो आफ्टर दिस कोड अनकोड योर साइकी डीकोडिंग आमिर खान सक्सेस वॉज रियली रिलेटेबल एंड आई एम ग्लैड कि मैं इस अमेजिंग फंक्शन का, अमेजिंग इवेंट का एक पार्ट बनी. आई वॉज एबल टू अटेंड दिस, सो इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस. एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि आज के यूथ डीमोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं, जैसे कई सारे इनिशिएटिव में आगे तो आते हैं बट डीमोटिवेट जल्दी होते हैं. एज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, राइट, आई विल टेल यू व्हाई यूथ आजकल का डीमोटिवेट जल्दी हो रहा है, बिकॉज जो हार्डशिप आप लोगों ने, जो हमारे पेरेंट्स ने देखी थी, वो आज का यूथ नहीं देख पाता है. दे हैव ऑलवेज बीन स्पून फेड, ठीक है, उन्हें सब कुछ एक सिल्वर स्पून में मिला है. तो जब भी उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं होती हैं तो दे गेट डीमोटिवेटेड. सो इसीलिए आज के यूथ को हर एरा में आना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, पास्ट देखना ज़रूरी है ताकि वो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर सुधार सके. तो MNP जो है, आज हमने आमिर खान का देखा, वो पास्ट में गए, वो पास्ट में गए, उन्होंने अपना प्रेजेंट सेट किया और हम उनका पास्ट देख रहे हैं ताकि हम अपना फ्यूचर सेट करें. तो ऐसे ही प्रोग्राम्स हमें यूथ को कराने चाहिए कि वो पास्ट को देख के फ्यूचर समझ सके, ना कि स्पून फेड लाइफ पे रहे. थैंक यू. आप बताएं कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा जी. और जो सबसे बड़ी बात इसमें लेसन मिली आज के कार्यक्रम से कि संसाधन आपके कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे नहीं है जी. खुद का आपका विल पावर, आप किसी भी चीज़ों को कितनी सकारात्मक सिचुएशन से लेते हैं और कठिन से कठिन चुनौती भी है लेकिन आप उसको एंजॉय करते हुए अचीव करते हैं तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. आज के यूथ को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिल्कुल, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. मोटिवेशनल जो है पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि संघर्ष बचपन से ही बच्चों को कैसे सिखाया जाए, इसमें बच्चों से कहीं ज़्यादा पेरेंट्स को क्या कहता सचेत होने की ज़रूरत है. जो शुरुआत में हम ही अपने बच्चों को कहते हैं कि धूप है बाहर मत निकलो, गर्मी है बाहर मत निकलो, और बाद में जब उसकी वो नेचर में शुमार हो जाता है तो वो लाइबिलिटी बन जाते हैं पेरेंट्स के लिए और बच्चे के ऊपर में वो सोचते हैं कि हम मनी खर्च करके और कामयाबी ले लेंगे और जब एक्स्ट्रा मनी वो खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है जी. तो डीमोटिवेट जो वो होते हैं अपने घर से और पेरेंट्स की अपेक्षाओं से कि पेरेंट्स किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं. पेरेंट्स की अपेक्षाएँ बढ़ती जा रही है या बच्चे जल्दबाजी में? हाँ, पेरेंट्स की अपेक्षाएँ बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से अपेक्षाएं बढ़ रही है तो वो लगता है कि सब कुछ क्या कहता है मॉनेटरी से हम क्या कहता है अचीव कर देंगे. तो एक संघर्ष की जो प्रवृत्ति बच्चे में आनी चाहिए थी वो डे वन से आना चाहिए. जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं मतलब जो सो उनको लग्जरी चीज़ों को दे करके या सुविधाओं को दे करके कहीं ना कहीं उनको वो संघर्ष से विमुख करते हैं. तो मुझे लगता है कि क्या कहता है संघर्ष बच्चों में घर से ही आनी चाहिए. जैसे एक अच्छी एजुकेशन के लिए एक अच्छी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है वैसे ही बच्चों के परवरिश के लिए भी पेरेंट्स को एक अच्छे मोटिवेशनल और क्या कहता है संघर्षशील बच्चों को कैसे बनाए इसकी भी क्या कहता है ट्रेनिंग अपने घर से ही शुरू होनी चाहिए जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो ये बिल्कुल सच कहा गया है कि आपको मोटिवेट सबसे पहले घर से होना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स के कोऑर्डिनेशन से होना पड़ेगा और वहीं से कहीं ना कहीं एक अच्छी स्टार्टअप आप कर सकते हो और लोगों के साथ जुड़ सकते हो. मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा. हाय अनन्या, यू टेल, हाउ वाज द इवेंट टुडे? It was fantastic. Yes. And basically, there were many key elements to be decoded during the event, during the movie, whereas we are seeing the making of Lagaan. First of all, we need to see things beyond our perspective, because a 100 crore rupees movie. It was a 100 crore rupees movie. It earned 100 crores, but nobody could have imagined the time and the struggle and the experience those actors and the team has gained out of that movie. And also the 4 main decodes which I learned out of the movie, which I shared inside, was
first you have to believe in yourself, and to believe in yourself you have to start loving yourself as you are. So stop thinking that I'm not good at it, and just believe for what you are, and just believe that yes, I am good at it. I am the one who is most loved. I am the center of attraction. When you start believing in yourself, second thing that comes to you is your ideas, your creativity. Your creativity is basically a different perspective of looking at the same thing which the world is looking. So when you like your own creativity, when you fall in love, you start liking your own creativity, that is when you start developing an idea. Idea is a thought which makes you come into an action. So out of your creativity comes your idea. And when you start loving your creativity, you love your idea. When you love your idea, rest of the people also start loving your idea. And when you love your idea, when other people love your idea, there is a commitment to fulfill that action. That is what the four decodes are: believe in yourself, commitment, idea, and creativity. You don't think that more and more youths need to attend these type of events regularly so that they can be motivated on definitely more and more numbers of youth need to attend such kind of a program. And for that, I invited a lot of my friends. They didn't come, but once I go out of there, I'm going to share my experience with them so that they turn up in larger numbers for the next time. Because a big part, again, we believe, because when we set into the reality of the world, we stop dreaming. We start dreaming smaller than what we used to. A first class child would currently say that I want to be an astronaut, but by the time that same child would come into 12th grade or into college, he would say, yaar, engineering kar lunga, bas utne mein hi settle hai. So because once you start loving your idea, your creativity, again, that I come to, when you fall in love with that, you believe that everything is possible for you. And when you believe in this, that everything is possible for you, universe just gets the people around you, the right resources you need to fulfill your action. Thank you, Ananya. हाँ, हमारे साथ एक छोटे गेस्ट भी हैं जो बताएंगे आपको. आपने ये मूवी देखी? हाँ, लेकिन जो बिल्डिंग जब गिरी थी वो देखा, उसमें एकदम ऐसा घबरा गया था मैं. आप घबरा गए थे? आपको ये मूवी, पूरी मूवी देखी है आपने? हाँ. कैसा लगा आपको ये मूवी देखा? बहुत अच्छा लगा. इट इज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा. और सबसे बड़ी बात मूवी को देख के जो मुझे लगी, जो आमिर खान की और जो आशुतोष की कमिटमेंट थी, और उनको अपने आप में फेथ था. लेट द वर्ड से एनीथिंग, अगर आपको कुछ करना है, आपको फेथ है, आप कर सकते हैं. सो आपको अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहिए. और ये सिर्फ आमिर खान की और आशुतोष की ही नहीं स्टोरी थी, उन्होंने एक स्टेप आगे जाके इतने लोगों के सपने थे उसके साथ. एक स्टेज ऐसा था जब सब लोग हताश हो गए कि बस अब आगे कैसे होगा, बट सबकी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी थी. और जो मेहनत से उन्होंने आगे काम किया, अपने आप को हारने नहीं दिया, सब ऑड्स के अगेंस्ट लड़े, ये एक और चीज़ दिखाता है. जो आपको बड़ी चीज़ें दिखती हैं, आपको तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, पर उसके पीछे जो इतनी छोटी छोटी मेहनत है, मैन्यूट डिटेल्स हैं, वो किसी को दिखती नहीं है. ये बिल्कुल ऐसे ही था कि एक बिल्डिंग तो आपको दिख रही है, पर उसके अंदर जो नीचे नींव है जिसके ऊपर वो टिका है, वो छुपी हुई है. सो ये उसकी नींव थी. और ये एक लेसन था मेरे को. 3 घंटे मुझे पता नहीं चला कैसे चलेगी मेरी, हमारी इसके बाद प्रेजेंटेशन थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं. सो आई थिंक, और मुझे लगता है और लोगों को ये, हम जब यहाँ से बाहर जाएं, ये मैसेज और लोगों को हमें देना चाहिए कि नेवर. इसलिए मैसेज किसके लिए? सब के लिए. ये मैसेज सब के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए, इवन जो हमारे कोई भी इंसान जो आप इस धरती पे, सिंपली सेज नेवर गिव अप, बी परसिस्टेंट, बी कीप ऑन वर्किंग एंड यू विल सक्सीड. थैंक यू. सुमित जी, कैसा लगा आज का इवेंट? वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेटेड, बहुत अच्छा लगा आना. आई एम फ्रॉम करनाल, और करनाल से मैं यहाँ पर आया हूँ. इट वॉज़ अ 4-hour रन, तो जो आना है वो सक्सेसफुल हुआ है बेसिकली. और सारा जो प्लान था, जो जी ने बहुत बढ़िया तरीके से जो किया हुआ था. क्या आपको लगता नहीं इस तरह के इवेंट रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मोटिवेशन बिल्कुल होने चाहिए हैं. एंड आई वुड वांट भाई, जो भी कॉलेज और जो भी कॉलेज गोइंग जो भी यूथ है, जो
हैं उनको सबको किसी ना किसी बहाने उनको बुलाना चाहिए, बिकॉज वो सब भी बिजी रहते हैं अपने स्केड्यूल में किसी ना किसी कारण से, मस्ती में, स्टडी के दौरान, इन चीज़ों में वो रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा होना चाहिए उनको, और बहुत कुछ उनको सीखने को, क्योंकि जो फ्यूचर है वो उन लोगों के हाथ में है, करेक्ट, दे आर मेकिंग इंडियाज़ फ्यूचर, राइट, उनको पता होना चाहिए भी एफर्ट्स और मेहनत और फोकस, क्रिएटिविटी, और इस तरीके के वो इवेंट में आएंगे, देन ओनली दे केम टू नो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। व्हाट्स योर नेम मैम? माय नेम इज रुचि अरोरा। What do you want to tell about the event today? Okay, so the whole event was very energetic and very motivating. And the one thing which I liked about it was the movie, the making of Lagaan was very good. And the moral which I get it from it is that try till you succeed. Don't you think that this type of event should organized on regular basis? Yes, it should happen, you know, frequently, because it motivates the people, it encourages the people to achieve their targets. What you want to give message to youth today? So the message to the youth which I would like to give them is, you know, don't have any fear in your mind for anything. Be fearless and replace fear with faith. Thank you.